हाई एवरी वन, वेलकम टू माई चैनल। तो मैं व्लॉग कर रही हूँ और अभी बज रहा है 3:30। बहुत ही ऑड टाइमिंग्स में मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। इधर मैं सुबह स्टार्ट करती हूँ या मैं शाम को स्टार्ट करती हूँ, बट आज मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। तो एक्चुअली क्या है कि अभी 4-5 डेज में विक्की का बर्थडे है, बर्थडे आने वाला है विक्की का। बर्थडे वीक चल रहा है, इन शॉर्ट आज से स्टार्ट हो गया है। जस्ट एक वीक बाद विक्की का बर्थडे है, तो उसके लिए क्या प्लान्स है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में। एंड साथ में मुझे जाना है अभी, आज मेरा थोड़ा फ्री रखा है मैंने अपना डे, क्योंकि मैंने कल बहुत सारी एडिटिंग कर ली थी। थोड़ा रिलैक्स रख रही हूँ आज का दिन, और आज मुझे जाना है नेल्स करवाने के लिए। तो नेल्स इन द सेंस मीन्स मैंने मतलब फेक एक्रेलिक नेल्स तो नहीं करवाती हूँ, बट इस बार मैंने क्या ट्राई किया था, जो जेल नेल पेंट होती है ना, मैंने वो लगवाया था। तो आराम से ये 20 डेज चले हैं और भी चलते ही है। मतलब ये आराम से उन्होंने बोला था मुझे कि 1.5 मंथ्स आपको आराम से चल जाएंगे, 1.5 महीना आपको आराम से लास्ट कर लेगा। बट अब भाई मैं हूँ, तो मैं अगर कुछ भी काम सोच रही होती हूँ या मैं कुछ भी काम कर रही होती हूँ, तो मैं ऐसे 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 कर करके मैंने खुद ने सोचो ये नेल निकाल दिया है विदाउट एनी एक्सपर्ट। मैंने ये खुद ही कर ऐसे खींच खींच के नेल पेंट निकाल दिया है, तो अब ये बहुत ही गंदी लग रही है। तो इसको ठीक करवाने के लिए जाना है। तो लेट्स सी, मेरा मन हो रहा है, एक मन हो रहा है एक्रेलिक करा लूँ, दूसरा मन मुझे ये हो रहा है कि यार फिर घर के काम भी करने पड़ते, भी मैं रोटियाँ भी खुद ही बना रही हूँ तो दिक्कत आएगी। ऐसे मतलब बहुत सारे मल्टीपल थॉट्स आ रहे हैं, सब इन अ कन्फ्यूज्ड स्टेट। और विक्की कह रहा है कि भाई बर्थडे मेरा है, पैम्पर होने खुद जा रही हो, और मैंने आज अभी तक शार नहीं लिया है। जिस दिन मुझे कहीं जाना होता है या मुझे पता होता है कि आज मुझे कहीं जाना है, उस दिन मैं शार जनरली वहाँ से आने के बाद लेती हूँ, क्योंकि इन जनरल भी ना कहीं से भी आते हैं तो आकर के कपड़े उन वो वाले कपड़े हटा देते हैं, वॉश करने के लिए डाल देते हैं, या शार ले लेते हैं। पूरा हाथ पैर मुँह तो धोना ही पड़ता है, अभी भी थोड़े से प्रिकॉशंस ले रहे हैं हम लोग। तो इट्स बेटर कि मैं शार लेती ही नहीं हूँ, फिर वहाँ से आने के बाद मैं शार ले लूँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ, और मुझसे काफ़ी सारे लोग पूछते हैं आप ना बहुत शेप में आ गई हो, कौन सी डाइट फॉलो कर रहे हो, क्या ऐसा रूटीन कर रहे हो, कितना शेप में आ गए हो। भाई जब से मैं घर से आई हूँ, उसके 10 डेज बाद तो हमने शिफ्ट कर ही लिया था ना, तो ये जो इतना काम किया है ना लग के 3 मंथ, ये उसका नतीजा है। मतलब कुछ डाइट फॉलो नहीं कर रही हूँ मैं, इनफैक्ट योगा भी बहुत कम कर रही हूँ, पर चल चल के ये वो ये भी काम, घर का भी काम, सब कर करके मैं ऑटोमेटिकली अपने शेप में आ गई हूँ। अभी मैं अपने बालों में ऑयल लगा करके जा रही हूँ, क्योंकि आकर के हेयर वॉश करना है ना। मेरी जस्ट बिल्डिंग के नीचे ही पार्लर है, वहाँ जा रही हूँ मैं। मैं नीम ऑयल लगा करके जा रही हूँ, एंड आई एम श्योर जो भी मेरा सर्विस करेगा ना, मेरे लिए कुछ भी करेगा, वो मुझे मेरे जाने के बाद मुझे गाली तो ज़रूर देगा कि ये मैडम क्या सड़ा हुआ सा लगा करके आई थी, क्योंकि नीम ऑयल में से स्मेल तो लिटरली बहुत गंदी आती है, बहुत ही ज़्यादा गंदी आती है। तो मैं ये नीम ऑयल लगाती हूँ और 2 मिनट में आपसे मिलती हूँ। सो आई एम डन, मैंने लगा लिया है, बन बना लिया है, और अब मैं जाती हूँ आराम से अपना पैम्पर सेशन लेने के लिए, और आप लोगों से मिलती हूँ मोबाइल के कैमरा से। जा रही उसका पैसा, हे भगवान, के वॉलेट रख लिया। मैं कौन सा मांग ही रही हूँ आपसे, मैं चेक कर रही थी आपकी नीयत, आपकी नीयत चेक कर रही थी मैं, और वो भी आपने दिखा दी अपनी असलियत। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। ओके गाइस, आई एम बैक, और मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। एक्चुअली जिससे मैं करवा रही थी ना, वो बहुत ज़्यादा स्लो थी, वो बंदी इतनी ज़्यादा स्लो थी कि मैं क्या बताऊँ। तो मैंने ये जेल नेल पेंट लगवाया है, एंड साथ मैंने अपने पैरों में भी लगवाया है। दैट क्या होता है ना कि बहुत सारी बार मैं कितना भी महंगे से महंगा नेल पेंट लगा लूँ, बट वो विद इन 3-4 डेज में ऐसे चिप होने लगता है। तो मुझे वो काफ़ी सही लगा था ना, ऐसे हेडेक नहीं रहता कि हर वीडियो बनाने से पहले आप फिर वो नेल पेंट पुरानी निकाल रहे हो, लगा रहे हो, एंड ऑल दैट। तो वो मुझे सही लगा था, तो इसलिए मैंने अब ये वाला लगवा करके आई हूँ। थोड़े शेड्स लगवाए मैंने, इतनी लेट हो गई हूँ, तो मुझे शार लेना था, लेकिन अब रात हो गई है, तो 8 बजे के बाद तो मैं बाल धोती ही नहीं हूँ। सो आई जस्ट टुक शार, और अभी मैं अपना नाइट स्किन केयर रूटीन करने वाली हूँ। विक्की इज स्टिल बिजी विथ हिज वर्क, उसका बर्थडे मंथ चल रहा है, बट मार्च में इतना ज़्यादा काम होता है उसको, जनवरी से बहुत ज़्यादा, पता नहीं 2021 आया है वो, उसके लिए एक्स्ट्रा लोड ऑफ वर्क लेकर के आया है।
तो बहुत ज़्यादा काम में वो बिजी है अभी अपने, एंड कल भी वो रात में 10:30-11:30 तक बैठा है काम में, सुबह से बैठ जाता है. हियर आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू सम न्यू लॉन्चेस बाय मामा अर्थ. तो उनकी ये रेटिनॉल जो रेंज है वो आई है मेरे पास, एंड दिस इज मामा अर्थ रेटिनॉल फेस वॉश. सो इसके अंदर मिला हुआ है रेटिनॉल एंड बकुची. तो ये बेसिकली फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स के लिए है. कि मैंने शावर लेते टाइम फेस वॉश कर लिया था, तो फेस वॉश करने के बाद मैं यूज करने वाली हूँ ये मामा अर्थ का रेटिनॉल फेस सीरम. तो इसके जो की इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं रेटिनॉल, बकुची, लिंसिड ऑयल एंड कॉटन सीड ऑयल. तो बेसिकली ये क्या करता है, साइन ऑफ एजिंग को मिनिमाइज करता है, हाइपरपिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है, बहुत लाइट वेट है, बहुत जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाता है, फास्ट अब्जॉर्बिंग फॉर्मूलाज के अंदर है, दिस इज सेफ फॉर ऑल स्किन टाइप. तो बकुची जो है वो नेचुरल सोर्स होता है रेटिनॉल का. रेटिनॉल आपके कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है. उसके साथ ही मेरे पास यहाँ पर ये मामा अर्थ रेटिनॉल बैम्बू शीट मास्क भी है. तो इस बैम्बू शीट मास्क में भी रेटिनॉल एंड बकुची मिला हुआ है. अगेन ये फाइन लाइंस एंड रिंकल्स के लिए वर्क करता है. तो ये जो पूरा रेटिनॉल का कॉम्बो है मामा अर्थ का, मतलब हैशटैग रेटिन्यू योर स्किन, इज अबाउट रिन्यूइंग योर स्किन टेक्सचर एंड स्किन टोन. सो मामा अर्थ इज ऑल अबाउट गुडनेस. आप जब भी मामा अर्थ की वेबसाइट से मामा अर्थ का कोई भी प्रोडक्ट परचेस करेंगे, मामा अर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन अ वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट. इसके पीछे का पर्पस ये है कि आपको एक अच्छा प्रोडक्ट तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ आप अर्थ को भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं. एज वेल मामा अर्थ इज अ टॉक्सिन फ्री ब्रांड. ये कोई भी हार्मफुल केमिकल्स यूज नहीं करते हैं, कोई भी टॉक्सिन्स यूज नहीं करते हैं. ये बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनते हैं. तो स्क्रीन पे दिया हुआ कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे देन यू विल गेट 20% ऑफ मामा अर्थ की वेबसाइट पर. मामा अर्थ के जितने प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं Amazon, नायका, mamaearth.in पर. एंड यस, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि विक्की का जो बर्थडे है उसके लिए मैंने गिफ्ट्स मंगवाना ऑर्डर कर दिया है. मैंने काफी सारे प्रोडक्ट्स जो हैं Amazon से मंगवा लिए हैं विक्की के लिए. प्रोडक्ट्स कह रही हूँ, काफ़ी सारे गिफ्ट्स जो है वो मैंने अमेजन से मंगवा लिए हैं विक्की के लिए. तो विक्की तो अभी काम में बिल्कुल अंदर घुसा हुआ है, गेट वेट बंद है. तो जो भी सामान है ना वो सब आ चुका है, बट मैंने उसको ये बोला था कि मेरे ब्रांड का सामान है तो उसको छूना मत. दिन भर से रखा हुआ है, क्वारंटीन वारंटीन सब हो चुका है. वो हम लोग उसको यहाँ पे इतनी तेज धूप आती है, हम उसको बैल्कनी में रख देते हैं. तो आई एम गोइंग टू ओपन इट एंड विल शो यू, क्योंकि उसको चेक भी करना रहेगा कि सब सही है कि नहीं है. अभी तो बहुत टाइम है, 5 दिन है, तो वो आराम से रिटर्न विटर्न हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, जो भी मुझे करना होगा. तो मैं एक बार उसको चेक कर लेती हूँ सारी चीज़ें. तो आई शो यू कि क्या क्या आया हुआ है. विक्की का वाला रूम का डोर बंद है, उसको कुछ सुनाई नहीं देने वाला है. यहाँ पर सामान रखा हुआ है. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. So all the gifts are quite good and in a good condition. तो मैं वापस से इनको रीपैक कर रही हूँ और रीपैक करके इधर उधर छुपा दूँगी. जो शेड्स हैं और जो वॉलेट है ये दोनों तो मैंने छुपा दिए हैं. एंड अभी रात का व्लॉग मैं ये ख़त्म करती हूँ. मैं आप लोगों से देर के लिए मिलती हूँ कल. सो या गुड नाइट. हाई गाइज, गुड मॉर्निंग. तो अभी जस्ट मैंने शावर लिया है एंड अभी हम लोग लंच करने के लिए बैठने वाले हैं. इट्स 11, ऑलमोस्ट 11 हो चुका है. और लंच में आज बना है
लौकी की सब्जी है, उसके बाद राइस है, दाल है, यहाँ पे रोटियाँ हैं एंड साथ में सैलड है, रू अफज़ा जब हम लंच ख़त्म कर लेंगे उसके बाद के लिए है। रायता भी बन चुका है, मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था एंड दिस इज द रायता। चलो चलो, ये इंसान ने नई टी शर्ट बर्थडे से पहले पहन डाली, मतलब ऐसे कौन कर, बच्चे भी नहीं करते ये हरकत तो। हाय एवरीवन, तो अभी जस्ट मैं रेडी हो चुकी हूँ, मुझे क्योंकि आज शूट करना है, आज मेरा शूट डे है। कैसे रेडी हुई हूँ, क्या रेडी हुई हूँ, मैं ऑलरेडी 100-500 बार आप लोगों को बता चुकी हूँ। वैसे ही सिंपल मैंने मेकअप किया हुआ है, नॉट सिंपल बट हाँ वैसे ही मेकअप किया है, बहुत क्विकली हो जाता है ये, फटाफट हो जाता है। एंड यस, अब मैं शूट करने के लिए बैठती हूँ। ये मेरा यहाँ पर कैमरा रेडी हो चुका है, यस वही मैं अभी शूट कर रही हूँ, और वो शूट करने के बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ, मुझे दो वीडियोस आज शूट करने हैं। हे गाइस, आई एम डन विद माय शूट एंड आज हमारे यहाँ पे नीचे ना शादी है किसी की, दिख रहा है आपको, आवाज़ आ रही है। अभी मैं जा रही हूँ, शाम हो गई है तो वॉक पे जा रही हूँ अपने फ्रेंड के साथ एंड आई एम वेयरिंग दिस टॉप विच इज़ फ्रॉम ज़िवामे, मेरे ज़िवामे हॉल में मैंने आपको दिखाया होगा। एंड नीचे मैं पहनी हुई हूँ बॉटम्स। सो एक्चुअली मेरे पास जितने भी बॉटम्स थे ना जो स्मॉल साइज में थे, मैं सब स्मॉल साइज में पहले मंगवाती थी, बापरे उनमें तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ज़बरदस्ती फिट हो रही हूँ। एक ही है मेरे पास जो मीडियम साइज़ का बॉटम है, अब जब नेक्स्ट ज़िवामे हॉल करूँगी तब मुझे लिटरली 2-3 मंगवाने पड़ेंगे। मैं फटाफट से शूज़ पहनती हूँ और अब मैं आप लोगों को मिलूँगी अपने मोबाइल के कैम्प से। आई एम ऑल रेडी और अब मैं निकल रही हूँ वॉक के लिए विद वाटर बॉटल के साथ। तो एक्चुअली दिस इज़ माई फर्स्ट डे, मैं कोई इतनी रेगुलर नहीं हूँ वॉक वॉक करने में, बट ऐसे ही हम लोगों ने डिसाइड किया, वो मेरी जो साथ वाली है ना फ्रेंड वो जाती थी, तो मैंने कहा अभी जाओ तो मुझसे पूछ लेना, अगर मैं फ्री रही तो मैं भी चल दूँगी, तो आज मैं फ्री थी तो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग। आई एम बैक और मुझे आए हुए हो गए 10 मिनट, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट ले रही थी एंड अब मैं जाती हूँ शार लेने के लिए, स्टिल वर्किंग, तो शार लेती हूँ और फिर आकर के आप लोगों से मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो आज है, आज क्या है, आज 18 मार्च है, नहीं क्या है, डे क्या है, वेडनेसडे, थर्सडे, ओके सो आज है थर्सडे एंड आज थोड़ा सा मैं लेट उठी हूँ। लेट इसलिए उठी हूँ क्योंकि कल रात में हम 12 बजे सोए हैं, 12 बजे इसलिए सोए हैं क्योंकि विक्की का अभी बर्थडे वीक चल रहा है, बट उसका इतना ज़्यादा काम में उलझा हुआ है वो, तो अभी 9 बजने में है 15 मिनट कम। तो एक्चुअली 9:30 पे हमारी जो हाउस हेल्प है ना वो जल्दी आने लग गई है, तो अब मुझे मेरा जो टारगेट है जो 10 बजे तक खाना बना के कंप्लीट होने का होता था, अब वो 9:30 पे शिफ्ट हो गया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। क्या होता है ना, वो 10 का बोलती है, 10 का बोलते बोलते वो 10:30 पे आती है, समटाइम्स वो 10:45 पे आती है, तो उसके चक्कर में मेरा पूरा जो रूटीन होता है ना वो 45 मिनट्स का जो गैप हो जाता है या 30 मिनट्स का, उसमें मेरा पूरा रूटीन ऊपर नीचे हो जाता है और फिर मैं चिड़चिड़ करने लगती हूँ, उसके ऊपर भी करती हूँ और फिर मेरा पूरा रूटीन गड़बड़ हो जाता है। तो मैंने उसको बोला भाई 9:30 पे आ, भले 9:30 से 9:45 हो जाए, 10 हो जाए मुझे चलेगा, बट ये वाला इधर शिफ्ट हो जाऊँ, तो वो इधर शिफ्ट हो जाती है, जब से 9:30 पे किया वो लेट नहीं आ रही, वो 9:30 शार्प आ जाती है मेरे पास। तो अभी मैं फटाफट से, मेरे पास सिर्फ 45 मिनट्स हैं खाना बनाने के लिए, हमारा आईपैड रेडी है फॉर द एंटरटेनमेंट और जो अनियंस हैं वो यहाँ पर चॉप हो चुके हैं, ये भिंडी के लिए, ये दाल के लिए, और ये भिंडी चॉप होके मिल चुकी है, दाल गल चुकी है और स्टार्ट करते हैं कुकिंग। ओके एलेक्सा नाउ प्ले, लेट्स द म्यूजिक प्ले, एलेक्सा प्ले, लेट द म्यूजिक प्ले, लेट द म्यूजिक प्ले बाय माइटी स्पैरो फ्रॉम गाना। नो एलेक्सा स्टॉप, एलेक्सा प्ले नदियों पार सजन का थाना, नदियों पार, let the music play again from Jio Saavan.
बस मैं ऐसे इकट्ठे करते जाती हूँ, वो आकर के यहाँ पे सब क्लीन कर देगी मेरी जो हाउस हेल्पर है। अभी टाइम हो रहा है 9:30, आने ही वाली है वो 5-10 मिनट्स में। मेरी सब्जी वगैरह सब हो चुकी, तड़का लगाना है लहसुन का और वो अभी फटाक से हो जाएगा। आई एम फ्री, विद इन 10 मिनट्स में मैं फ्री हो जाऊंगी। तो विक्की के बर्थडे के लिए बचे हुए हैं 2-3 दिन। हाँ, तो जिस दिन एक्चुअली विक्की का बर्थडे है ना, उस दिन पड़ रहा है ट्यूसडे, एंड ट्यूसडे को क्या है ना वर्किंग डे है, एंड विक्की का डिमांड है कि उसको बर्थडे के दिन बर्थडे पार्टी नहीं करनी है, उसको एक दिन पहले बर्थडे पार्टी करनी है। तो अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम 23rd को बर्थडे पार्टी ना करके 22nd को करेंगे। तो हम रात में करेंगे स्टार्ट, क्योंकि सबका वर्किंग डे है, जिन जिनको भी हम इन्वाइट करने वाले हैं तो उन लोगों का वर्किंग डे है, आराम से रात में स्टार्ट करेंगे पार्टी। तो वो 12 बजे जो हैप्पी बर्थडे वाला विश होता है वो करने के बाद सब अपने अपना फ्री हो जाएंगे, है ना। तो वैसा हम लोगों ने सोचा हुआ है। तो मेन्यू वगैरह क्या है, पार्टी का कैसे होस्ट करने वाले हैं, वो सब कुछ मैं अलग से पूरा शूट करूँगी कि मैं कैसे कैसे डेकोरेट करूँगी और क्या क्या होस्टिंग करने वाली हूँ और क्या क्या मेन्यू रहेगा और कैसे मैनेज करने वाले हैं, उसका व्लॉग मैं अलग से बनाऊँगी। इसके जो नेक्स्ट वाला व्लॉग रहेगा वो वही रहेगा, उसमें शायद अगर वो व्लॉग छोटा रहा तो विक्की के बर्थडे पार्टी का भी इंक्लूड कर देंगे। एंड दूसरी चीज़, अभी मैं जा रही हूँ कुछ काम से, तो मुझे डेकोरेशन का सामान भी चेक करना है कि क्या क्या सामान अवेलेबल है। वैसे तो मैं ऑनलाइन मंगवाती हूँ, बलून्स वगैरह तो मेरे पास काफ़ी सारे हैं, बाकी देखते हैं कुछ अगर मिल जाता है, हैप्पी बर्थडे वगैरह लेना पड़ेगा। अभी साथ आई एम गोइंग टू VLCC एज वेल। तो क्या हुआ था ना, जब मैं यहाँ पर शिफ्ट हुई थी, मतलब जनवरी में हम यहाँ पर शिफ्ट हुए थे, तो VLCC में ना कुछ ऑफर चल रहा था, न्यू ईयर वाला ऑफर चल रहा था। तो उसमें ये था कि अगर आप मेंबरशिप ले लेते हैं, 500 रुपीज़ की मेंबरशिप होती है, तो अगर आप 80 रुपये की भी सर्विस कराओगे ना तो आपको 5 चीज़ें फ्री मिलेंगी। कैसे फ्री मिलेंगी, मतलब उसमें 2 हेयर वॉश विथ हेयर स्टाइलिंग था, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट 700-800 कॉस्ट करता है। उसके बाद 2 क्लीनअप्स हैं, 1 फुट मसाज है। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे आईब्रोज भी करवाना होता है ना, 80 रुपीज़ में आईब्रोज होती है, उसके साथ मुझे एक मैंडेटरी में सर्विस लेती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, जो मैं ले चुकी हूँ 2 हेयर वॉश, और मैंने फुट मसाज भी ले रखा है। तो अब मेरी जो सर्विसेज बची हैं फ्री वाली, वो दिए बची हैं 2 क्लीनअप्स। तो मैं आज उनसे ये जा करके बात करने वाली हूँ, बिकॉज आई एम नॉट इन टू क्लीनअप, मैं क्लीनअप और फेशियल्स नहीं करवाती हूँ, मेरी काफ़ी सेंसिटिव स्किन है। तो राइट नाउ माई स्किन इज डूइंग प्रीटी वेल, तो आई डोंट वॉन्ट टू मेस्ड अप माई स्किन विथ यू नो, कुछ भी कुछ हो जाए, रिएक्ट वगैरह कर जाए। तो मैं उनको ये बोलने वाली हूँ कि आप मुझे क्लीनअप की जगह ना हेयर वॉश ही दे दो, एंड अगर वो मान जाते हैं, हेयर वॉश दे देते हैं, तो फिर मैं विक्की के बर्थडे के एक दिन पहले फिर से फ्री वॉश करवा करके आऊँगी। तो मुझे यूजुअली दिन में जाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बाहर बहुत धूप हो रही है। तो यस, लेट्स गो, और